है। परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? तुम ही बैठे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? और आपका उद्देश्य भी पवित्र है, चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही चीज संकट में है इस समय पर। और परम पूज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सत्संग चालक जी ने यह कहा भी था कि चिकित्सा और शिक्षा ये कभी सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, जब भी जिम्मेदारी होगी समाज की जिम्मेदारी होगी, और जब जब समाज इसका नेतृत्व करेगा तो उस समाज की चिकित्सा और शिक्षा बहुत अच्छी चलेगी। सरकार की तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं एक व्यंग से शुरू करना चाहता हूँ। व्यंग के सबसे बड़े दो कवि इस मंच पर हैं, बड़े भाई संपत सरल और मेरे बड़े भाई आदरणीय तेज नारायण शर्मा बेचैन। मेरे देवास के एक व्यंगकार हैं श्री मदन मोहन व्यास, उन्होंने बहुत अच्छा व्यंग लिखा शिक्षा व्यवस्था पर कि स्वेटर बुनती हुई अध्यापिका ने बीड़ी पीते हुए अध्यापक से पूछा। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की ओरिजिनल स्थिति है जो सरकार चला रही है, चाहे वो गुजरात की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो। स्वेटर बुनती हुई अध्यापिका ने बीड़ी पीते हुए अध्यापक से पूछा, सर कितना टाइम बचा छुट्टी होने में? तो मास्टर साहब ने बीड़ी का बंडल देखकर कहा, 3 बीड़ी इतना बचा। इसको बढ़िया आपकी ताली आनी चाहिए थी। आइए बस इन्हीं विद्रूपताओं को, इसी समाज की विसंगति को व्यंग कहते हैं, और उस व्यंग को कहने वाले 2-3-4 बड़े नाम इस मंच पर हैं। मैं क्रम से आप तक उनको पहुंचाऊंगा। परिचय कराया, एक सबसे कोने पर ये 42 किलो 500 ग्राम की पांडुलिपि रखी हुई है, जब कहीं हवा पानी चलती है तो इसकी पत्नी इसकी जेब में चिल्लर डाल देती ताकि इधर उधर ना उड़ पाए। और 42 किलो 500 ग्राम तो तब है जब इसने पूरे 8 कपड़े पहन रखे हैं। अगर दिगंबर अवस्था में इसका वजन करें तो ये गरीबी रेखा से नीचे का आदमी है। अच्छा, ढकोले वहां खा रहा है जहाँ दारू बंद है कई दिनों से, और घर से निकले हुए 8-9 दिन हो गए तो पता नहीं कहाँ से पी के चल रहा है। और ऐसा नहीं हो कि यहाँ कोई पुलिस वाला देख ले तो अभी इसकी चेकिंग हो जाए, इसके संग संग जाजू जी भी अंदर हो। मैं चाहता हूँ एक बार इस पुण्य आत्मा के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। इलाहाबाद त्रिवेणी पे पाया जाता है, जब कवि सम्मेलन नहीं होते तो क्रियाकर्म करवाता है वहां पे लोगों के। 24 कैरेट का ओरिजिनल ब्राह्मण है, अगर किसी जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दे तो वो दूसरे दिन आपको मरा पड़ा मिले। संपत सरल जी का क्या मैं परिचय कराऊं, पूरी दुनिया उनसे परिचित है। सोशल मीडिया के माध्यम से जिस कवि ने पूरी दुनिया में अपने व्यंग को पहुंचाया, और वर्तमान जिस समय पर सरकार की अभ्यर्थना में सरकार की वंदना में कविताएं पढ़ी जा रही थी गढ़ी जा रही थी, ऐसे समय पर व्यवस्था पर चोट करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जिस व्यंगकार ने किया, जिस कलमकार ने किया, उस बड़े कवि का नाम है भाई संपत सरल। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। तेज नारायण शर्मा बेचैन, वो हास्य व्यंग के बड़े कलमकार हैं, बड़े गजलकार हैं। उनकी 4 पंक्तियां बड़ी ख्यात विख्यात और कुख्यात हुई कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए। जोरदार तालियां बजाइए भाई तेज नारायण शर्मा बेचैन। भिंड मुरैना डाकुओं के क्षेत्र से, जैसा गणपत भाई ने बताया कि डाकुओं के क्षेत्र से मैं पाए जाते हैं, हर तीसरा घर डाकू का होता है, इनका दूसरा था इसलिए कवि हो गए। हालांकि इनके बालों पे भी डाका डाला गया है और वो किसी महिला डाकू ने डाला है, महिला डाकू ने इनके बालों पे डाका डाला। आप तो यहाँ इनकी संप्रदाय के बहुत सारे लोग मुझे इस हाल में दिख रहे हैं, उनके चमकते हुए चेहरे, उनके फेस से ज्यादा उनके सरफेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सरफेस। और कुछ प्रकाश व्यवस्था ऐसी है कि कईयों के तो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख को चौंधिया भी रहे हैं। पुरुषों के सिर पे 2 ही महिलाएं हाथ फेरती है, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। भाभी जी ने इतने उत्साह से ताली बजाई और भाई साहब की तरफ भी देखा, वाह ये है होली का रंग देखो। और भाई साहब भी इतना बढ़िया हंस रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखते तो मजा आता है। ये राधा कृष्ण की जोड़ी क्या बढ़िया बैठी है कोने में। कवि सम्मेलन ही सुनना आप। ये भगवती बैठी है, काली कपड़े पहन के, शनिवार के कपड़े मंगलवार के दिन पहन लिए। इनका नाम तुषा शर्मा है, ये मेरठ में पाई जाती है, वहीं से पूरी दुनिया में पहुंचाई जाती है। गीत गजल इनका तेवर है,
श्रृंगार गीत लिखती हैं, गाती हैं, जीती हैं, मीरा की परंपरा को का निर्वहन करके, आत्मसात करके दुनिया में रंग बिखेरने का काम उनका है। मैं चाहूंगा, वो अकेली नारी हैं, महिला शक्ति हैं, अतिरिक्त सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर उनका। गुजरात में तो महिलाओं का आम में, हम मध्य प्रदेश के लोग इसलिए भी अब आकर सम्मान करने लगे गणपत जी के, आनंदी बहन आजकल हमारी राज्यपाल हो गई हैं, तो पूरा मध्य प्रदेश उन्हें खड़े होकर सलाम करता है। ये मुन्ना बैटरी है, इतनी गर्मी में भी कोट ठसा आया। इसी से लग रहा है कि कॉन्फिडेंस में कम है, ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा है। नाम ही ऐसा रखा, बैटरी। अब यहाँ तो कई बार आ चुका है, जहाँ पहली बार जाता है वहाँ तो लोग होटल में देखने आते हैं कि आदमी बैटरी का होता कैसे है। मैंने पूछा, भाई बैटरी नाम क्यों रखा, तेरे को और कोई नाम नहीं मिले? तो बोले, नहीं भाई साहब, मेरा बैटरी का धंधा था। दिग्विजय सिंह के शासन में हमारे यहाँ लाइट होती नहीं थी, तो बैटरी बिकती थी। फिर भाजपा की सरकार आ गई, शिवराज सिंह ने लाइट इतनी दे दी कि बैटरी की दुकान बंद हो गई, तो वो बैटरी इसने खुद ही लगा ली। मैंने कहा, अच्छा हुआ तेरी बैटरी की दुकान है, अगर चट्टी बनियान की दुकान होती तो क्या मुन्ना चट्टी? मतलब धंधे के हिसाब से भी नाम रखा जा सकता है, इतनी कमजोर तालियां नहीं, तभी छोटा कवि नहीं है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर यूट्यूब पे बहुत पाया जाता है, कई बार आ चुका है डर रहा है कई बार आने के बाद। मैंने कहा, चिंता मत कर, ये सब ध्यान से सुनेंगे। आइए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं माँ की वंदना के साथ। होली का ये पावन पर्व है, मुस्कुराहट से, ठहाकों से इस यात्रा को हम आगे ले जाते हैं, और माँ की वंदना करने की जिम्मेदारी मैं तुषा शर्मा को देता हूँ कि तुषा आओ और माँ के चरणारविंद में शब्द पुष्प अर्पित करके आज की यशस्वी शाम की शुरुआत करो, क्योंकि गणपति शारदे सकल क्लेश हरते हैं, नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं। अब दो आशीर्वाद इन कलमकारों को, हम कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय तुषा शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।